एक्सरसाइज 3.5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये बात सब पे लागू नहीं होती, तो इस स्टेटमेंट ये आ जाएगी फॉल्स। ये क्या आ जाएगी हमारी फॉल्स। सेकेंड है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ये बात सही है कि वो हमेशा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या जाएगी ट्रू। नेक्स्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर किससे डिवाइड होता है 18 से डिवाइड होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 18, यदि नंबर 18 से डिवाइड होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो ऐसा सब पर लागू नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, यदि कोई नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 90, तो ये 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो स्टेटमेंट कैसी है ट्रू। नेक्स्ट है, इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कहता है कि अगर 2 नंबर्स कोप्राइम है तो जरूरी, ऐसा जरूरी है कि भी दोनों ही क्या हो प्राइम, उनमें से कम एक प्राइम होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें एक प्राइम भी होना चाहिए, तो स्टेटमेंट कैसे आ जाएगी फोर्स। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, तो सब पे नहीं अप्लाई होती है बात, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो हमेशा 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी ट्रू। नेक्स्ट है, इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग अलग, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर से डिवाइड हो जाता है सेपरेटली अलग अलग, इट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो कहता है कि उसके सम से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बात क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ ए नंबर, अगर इसका उल्टा हो तो इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स, यदि कोई नंबर एग्जैक्टली उन नंबर्स के सम को डिवाइड कर देता है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली, तो कहता है कि अलग अलग भी उन नंबर्स को डिवाइड कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सब पे, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी फॉल्स। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने क्या लिखना, जो ट्रू है उसके आगे ट्रू लिख दिया, फॉल्स है वो फॉल्स होगा।